ଏହି କ୍ରମରେ ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ଆର୍ଏସ୍ପି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡେପ୍ୟୁଟି ସିଏମ୍ଓ ଡାକ୍ତର ଦୀପା ଲାଭାଙ୍ଗରାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେକ୍ଟର ନଅ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା आ, हर साल जैसे आर एस की तरफ से हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं वैसे ही इस साल भी 16 से 31 मार्च के बीच में हम लोग ये स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं इस इसमें हम लोग क्या करें कि अलग अलग बस्ती एरिया में मार्केट एरिया में आ, हम लोग ये स्वच्छता का मैसेज दे रहे हैं नुक्कड़ नाटक के द्वारा तो इसमें हम लोग सबसे मेन हमारा है कि से नोट टू सिंगल यूज प्लास्टिक मोदी जी ने जो अभी जून 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब एक बार जो आप प्लास्टिक यूज करके थ्रो कर देते ऐसी सभी चीज़ों पे बैन लगा बैन लगाया है तो हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारा ये कर्तव्य है कि जो मोदी जी ने हम सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया है उसको भी हम लोग फॉलो करें तो यही मैसेज हमारे नुक्कड़ नाटक द्वारा हम गली गली में दे रहे हैं हमारे स्वच्छता पक्ष हमें बहुत खुशी हो उत्सु हम संग्रह ला स्प्लाटर डिजिएम दीपा मैडम उपस्थित अहिले डक्टर दिपा म्याडम आउँसित उपस्थित अहिले आम सक्टर नै नटा बेग्राम् आरम्भ गर्छु आमसहित बस्ती वाला बाला डिपोस गाँ र बा बस्ती र भाइभी आमसहित जोडै कार्ज्यक्रम का आगको बढै आशा गरुछु यही प्रोग्राम चालु आउँ अन्त दुई वर्ष होला प्रोग्राम चलै छु आरएसपिर डाइरेक्ट तत्त्ववधान प्रोग्राम चाहिँ भाई उतनी आप देखु आम नेशन टी धन्य को धन्यवाद प्रत्येक समय सांस्थित अंतिम आमर प्रत्येक कार्यक्रम को समाज में से खुलासा करूँ जे आपरण गोटे जगरण या समाज आखि जो बंद हो स्वच्छता प्रति से ही प्रकार दिग्दर्शन आमको देखा थे नेशन टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूसुँ